तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm। यानी एक कैपिलरी ट्यूब दी है जिसका रेडियस कितना है 0.1 mm, तो यहां पर आर लिख देंगे 0.1 mm। When immersed in a water of surface tension, यानी surface tension दिया है, वो कितना है? 7 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर मीटर दिया है। The angle of contact between water and glass is 0। यानी जो angle of contact है, वो कितना है? तो वो है 0 degree। उसके बाद और क्या दिया है? The density of water, यानी rho दिया हुआ है, कितना है? 1000 kg/m³ दिया है और g दी है 9.8। तो हमको निकालना क्या है? राइज ऑफ वाटर यानी हाइट ऑफ वाटर कॉलम इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब निकालनी है। तो हम लिख लेंगे टू फाइंड में क्या आएगा रे भाई? तो हाइट ऑफ वाटर कॉलम इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब हमको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहां पर H में सभी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 7 × 10⁻²⁰ cos थीटा अपॉन 1000 × 9.8 × 0.1 × 10⁻³। अब थीटा कितना है? तो थीटा है 0, यानी cos थीटा की वैल्यू आएगी 1। अगर पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या मिलता है? 0.142 मीटर आंसर मिलता है, ठीक।